साइड शेयर करूंगी, उसके बाद तुम तुम्हारी साइड शेयर करना है, बीच बीच में नहीं घुसेंगे हम लोग, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हमारी लव स्टोरी। और ये थे टी विला में, हम दोनों की एक कॉमन कस्टमर थी, उसका नाम क्या था, समीक्षा, नाम याद है, उनका नाम था समीक्षा। तो वो कभी इनके आउटलेट कभी मेरे आउटलेट आना जाना कंपलसरी था उनका। तो एक दिन आती है मेरे पास कि और तेरे पास कॉफ़ी पाउडर है क्या, ऐसे था है। अब मुझे तो सेल करने से मतलब हम लोग का टारगेट होता था। तो उसने बताया कि सरफराज करके एक बंदा है जो टी विला में काम करता है। हाँ ये वो आदमी तो टी विला में काम करता है, तो वहाँ पे तू बेचेगी तो तेरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो मैंने ठीक है चलो चलते, टाइम दिया गया था 11 बजे का, उन्होंने मुझे बोले उन्होंने मुझे 11 बजे का टाइम दिया था, इनको भी 11 बजे का ही टाइम दिया था, लेकिन आए तुम कितने बजे, 12:30 के करीब, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा मैंने इंतजार किया। अपन राजा इंसान था, अपने को बदला मैंने लिया पूरा बाद में, मेरी शिफ्ट 11 बजे की थी लेकिन आए ये 12:30 बजे, हम लोग इंतजार करते हुए बैठे थे। फिर आने के बाद एकदम मस्त में हाय हेलो करते हैं, सॉरी सॉरी लेट हो गया, तो मैंने भी हाय किया, बट मैंने इनका फेस नहीं देखा था, मेरी पहले से आदत है, मैं एकदम अचानक से तो नहीं देखा था, हाय हेलो किया, ये गए चेंज वेंज करे, फिर वापस आए, फिर बैठे बात करे कॉफ़ी वगैरह के बारे में, नंबर्स एक्सचेंज हुए हमारे कि हम बताएंगे, इन्होंने बोला मैं बताऊंगा, इट्स अ बिजनेस डील, ओके, एक बिजनेस डील, हाँ डील के हिसाब से नंबर्स एक्सचेंज हुए। हाँ उस बीच क्या हुआ ये बाद में बताएंगे। और फिर उसके बाद मैं चले गई मेरे आउटलेट, फिर दूसरे ही दिन ये आते इनके स्टाफ के साथ कॉफी शाम में, हाँ सेम डे शाम में, ओह आई एम सो सॉरी, ये अपने साइड का भी पूरा नहीं बता पाएगी, मेरे को हेल्प करना पड़ेगा। तो ये आते हैं शाम में उनके फ्रेंड के साथ कॉफी लेने, मैं यूनिफॉर्म में वैसे ही आते हैं, मैं कॉफी देती हूँ, फिर ये वापस चले जाते हैं लेके। फिर नेक्स्ट डे या दो दिन के बाद कुछ है ना, फोन आता है, मैंने फोन किया था, ये मैसेज किया था पसंद आया या नहीं, तो ये सेट कि नहीं मेरे ओनर को नहीं पसंद आया, तो ठीक है मैंने बोला जाने दो। फिर उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होने लगा, फिर हम लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, पर है ना वो क्लियर जो मतलब ऐसा पसंद करना, वो फ्रेंडशिप हो गई अच्छी खासी। हाँ। एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी, लेकिन ना बोलते ना क्लियर प्रपोजल जो होता है ना, बात करते ना क्या भाई अपने हाँ, वो नहीं किया हम लोग, ऐसा कुछ था ही नहीं, पर बातों में एक दूसरे को समझ चुके थे के तो, हाँ, ऐसा मालूम पड़ता ना कि हाँ यार उसको भी अपनी कंपनी पसंद है, अपनी इसकी कंपनी पसंद है, बस ऐसा सीन था। बट वहाँ पे ट्रेजेडी ये थी कि मेरी शादी की बात कहीं और चल रही थी। हाँ। तो फिर मैंने वो टाइम इनको बोला नहीं मेरी शादी की बात कहीं और चल रही है, और मेरा सिंपल फंडा तुमको मैं पसंद हूँ, जाओ मेरे घर पे मेरी अम्मी अब्बा से बात करो, ऐसा शॉर्ट था, ऐसा नहीं बताई थी इतना क्लियर क्लियर, ये कहानी अलग बता रही है। नहीं लेकिन हाँ बोला था ना मैंने बाद में, बाद में मैंने बोला था, बताता हूँ पहले पहले तू तेरा बता दे फिर बताता हूँ। तो फिर उसके बाद में मैं आपा की शादी में आती हूँ, वहाँ मैं अब्बा से मिलती हूँ, तभी भी इतना क्लियर नहीं था चीजें, बातचीत हो रही थी हमारी, पर अब्बा को डाउट हो चुका था, अब्बा इनको पूछते भी यही है ना ये, तो वो डाउट होने का रीजन ये था कि नहीं मैं मेरा साइड बात कैसे करूंगा, मेरा साइड इतना था, अभी बाद में आगे मिलके बोलेंगे, खत्म हो गया। अब मेरी तरफ की कहानी से लेट आते हैं। 13th Feb एक ऐसी समीक्षा मैम जो हमेशा आती थी, गेस्ट थी, मतलब एक होटल इंडस्ट्री का सबसे अच्छी चीज़ क्या पता है क्या, वहाँ पर आपका जो कस्टमर होता है ना वो आपका दोस्त होता है, होटल इंडस्ट्री मतलब सिंस हम लोग का कैफे, अगर मैं फाइनल में चले जाऊँ तो हमको सॉरी वॉरी एकदम ऐसा पड़ेगा, ज़्यादा मस्ती नहीं कर सकते, कैफे का एक फ्रेंडली माहौल होता है, आपके कस्टमर डेली आने लगते हैं, आप लोग नाम से जाने पहचाने जाते हो, आपकी चीज़ें उन वो क्या काम करते हैं तुम क्या काम करते हैं कैसी लाइफ स्टाइल है, फ्रेंडली माहौल हो जाता है। तो वैसे ही उनमें से एक थी समीक्षा में, तो जो रोज़ आके कॉफ़ी पीती, अच्छे से बातचीत होती हमारी, तो मेरा एक जो आउटलेट था वो नया नया खुला था, तो उसके वजह से जो चीज़ें मैं ढूंढ रहा था लाइक कॉफ़ी बीन्स ढूंढ रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहा था, तो बात निकली कि कॉफ़ी बीन्स परचेस कर रहा तुम, बोला हाँ परचेस कर रहा हूँ, तो बोले कि मेरे पास एक और ऑप्शन है जिधर से तेरे को सस्ती मिल जाएगी,
तो मेरे को मिल रही थी 600 रुपये किलो, और मेरे को मालूम है मार्केट में और कम रेट में भी अच्छी कॉफ़ी मिलती है, तो मैं बोला चलो ठीक है ट्राई करते। तो ऐसे रैंडमली बात हुई कि हाँ चल कल आते हम लोग, तू कितने बजे आएगा? मेरी शिफ्ट 11 बजे की थी, बोला 11 बजे आता हूँ मैं, जबकि अपन राजा इंसान मैनेजर थे, और मैनेजर हिस्सा एकदम बोलेगा हार्ट वाला रोल अपना टेंशन नहीं किसी का, कुछ ओनर को भी पूरा भरोसा अपने पे। तो आया मैं अपने टाइम पे, मेरे को याद भी नहीं था कि आके बैठे रहेंगे। रास्ते में कॉल आया कितने बजे, कुछ 12 बजे, और मैं 12:45 बजे घर से निकला था। तब देखो 11 बजे तुम ही आके बैठी, चलो आ रहा आ रहा 15-20 मिनट मैं पहुँचा 12:20। मैं वहाँ पर पहुँचते साथ एंट्री में ही देख रहा हूँ कि हाँ समीक्षा मैम यहाँ बैठी है, साथ में कोई बचकानी बैठी हुई। मैं फटाफट अंदर गया, कपड़ा वपड़ा चेंज करके आया, तो मैं बोलते भी शीज़ा लकी फ्रॉम सीसीडी, तो मेरे साथ देखा, बोला हाँ चलो ठीक है, कॉफ़ी अच्छी हो ना हो बंदी अच्छी है। बैठा तो बात हुई कि क्या बेचना चाहते हो, तो इनके पास मर्चेंडाइज थे जो कॉफ़ी बीन्स में 600 से सस्ते में ढूंढने आया था, ये मैडम 4000 का बेचने आए थे मेरे को, 4000। वो एक्चुअली मेरे को ही मालूम था, क्योंकि ये जो बेचने आए थे ऑलरेडी मैं भी सीसीडी में काम कर चुका हूँ, तो मुझे भी पूरा पता था उस चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पर एक ऐसा डील क्लोज हुई ना कि नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं है ये, समथिंग डिफरेंट। तो फिर भी मैंने समीक्षा मैम को ऐसा क्लियरली नहीं बोला, मैं ठीक है मैम मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ अगर कुछ हो सके तो। अब शाम में मैं, मेरे स्टाफ लोग थे, अभी कैसा बा कस्टमर लोग के साथ एकदम भाईचारा है अपना, तो स्टाफ लोग के साथ कैसा रहेगा तो मालूम है ना लोगों को। तो मैंने मेरे एक स्टाफ से पूछा, आसिफ पाकिस्तानी, तो उसको इसके लिए बोलते पाकिस्तानी क्योंकि उसका बर्थडे आता है 14 अगस्त के लिए, और वो बंदा भी एकदम बोलते ना शाहिद अफरीदी का फैन, तो आसिफ पाकिस्तानी, तो देखेगा ये वीडियो मज़ा आएगा जिसको। तो मैंने आसिफ से पूछा, मतलब चल जाते हैं क्या? तो बोलते चलो, और थोड़ा भैया टाइप का ना भाऊजी से मिल के आते हैं, तो एक उसको भी समझ में आ गया था, बंदो लोग का तो रहता ही हाँ वाह चलो। तो हम लोग शाम में वही कैफे में पहुंच गए, अभी तो मोटी हुई थोड़ी, पहले दुबली पतली एकदम बहुत दुबली थी, और शर्ट पैंट पहनती थी, कैप पहनती थी, मुंडी छुप जाती थी। तो मैं गया फिर भी होगा मेरा यूनिफॉर्म का फोटो आई गेस, देखना पड़ेगा, अभी बिल्कुल चेंज हो गई है, ऐसी नहीं दिखती थी पहले, रहेगा ना तो देखेंगे शेयर करेंगे। फिर जीन्स मतलब शर्ट पैंट में थी एकदम, कैप कैप पहन के यूनिफॉर्म टाइप, ऐसा सलवार कमीज में नहीं थी। फिर उसके बाद एक बोलते ना कि अच्छा लगता ना कि हाँ यार बंदी अच्छी वैसा था। अब फॉर्मेलिटी के हिसाब से बातचीत हो रही थी कि अभी एक ही विले पार्ले एरिया में मेरा ईस्ट में कैफे था, वेस्ट में था, तो उस हिसाब से भी थोड़ा बोलते हैं ना कस्टमर नॉलेज रखना पड़ता है, प्रोडक्ट नॉलेज रखना पड़ता है कि पब्लिक कितनी आती क्या आती, तो उस हिसाब से एक दोस्ती हुई थी हम लोगों की। लेकिन फिर बातचीत करते 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 शेयर करने लगे ना हम लोग एक दूसरे की चीज़ें थोड़ा थोड़ा करते करते, तो एक बोलते ना कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया था, रोज हम लोग थोड़ी बहुत बात करने लगे, बहुत सारी बात करने लगे। ये फैक्ट की बात है, और मार्च 2 तारीख को आपा की शादी, मतलब समझ जाइए कितना कम टाइम था, 15 दिन। तो 15 दिन में हम लोग की थोड़ी बहुत बातचीत हुई, एक फैमिली फ्रेंडली माहौल हो गया था। तो शादी के टाइम पे मैंने बुलाया था कि आओ घर शादी में आओ, तो शादी में आए ना ये, तो ये वडाला से आई थी बहुत दूर से, तो क्या हो गया कि ये अकेली बंदी थी, और मेरे अलावा और कोई नहीं जानने पहचानने वाला, हम लोग दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड नहीं है वहाँ पर कि भाई मैं शादी में बिजी हूँ, तो इनके साथ कोई कंपनी थे, तो मेरा अट्रैक्शन मतलब बोलेंगे ना एक फोकस था इनकी तरफ, ध्यान रखना था, मैं मेहमान को बुलाया ध्यान रखने का। और उस दिन मैंने ना वहाँ भी इंतजार करवाया, कितना इंतजार करवाया, 1.5-2 घंटा समथे, आपा की शादी में लेट हो गया था हम लोग, बाप रे इतना परेशान। तो रीजन बताता हूं, मैं बस जाने वाली थी, मैं भाईजान की तरफ से था शादी में, मैं मेरी बहन की शादी में मेरे भाईजान की तरफ से था, तो वहाँ लेट हो गया, चलो ठीक है। अब अकेले बंदी थे, तो मैंने ना मेरी फैमिली से सबसे मिलाया, वो टाइम पे हम लोग के बीच में ऐसा कुछ नहीं, ना थिंकिंग ना कुछ के हाँ ऐसी लाइफ, हाँ एक फ्रेंडशिप टाइप थी। तो मैंने ना फैमिली में सबसे मिलाया, अम्मी से मिलाया, रिया से मिलाया, आपा से जाके स्टेज पे मिलाया, आपा से मिलाने के टाइम पे नानी भी बैठे थे, बोले वही मिलाएगा खाली, मेरे से नहीं मिलाएगा, पहली बार मिली थी उनसे। अब वो चीज़ ऐसी थी ना कि मेरी लाइफ में स्कूल कॉलेज खत्म हो गया, काम चालू हो गया, स्टाफ से मैनेजर बन गया, मैंने आज तक किसी लड़की को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था घर में, तो फर्स्ट लड़की थी जिसको मैं मेरे माँ बाप से मिला रहा हूँ,
क्या अम्मी अम्मी मेरी फ्रेंड अब्बा मेरी फ्रेंड अब्बा मेरे को कान में पूछते यही है क्या बोला क्या बोले तुम लोगों मेरे को खुद को नहीं मालूम क्या यही है क्या एक चार महीना होने आया था चार पांच महीना हो गया था हम लोग की फ्रेंडशिप को वो कहीं ना कहीं फिर जब इसने बताई कि इसके घर पे रिश्ते की बात चल रही है और रिश्ता कहीं और होने वाला है तो एक दिल में डर आया था कि हाँ यार ये बंदी अच्छी है ये जाना नहीं चाहिए लाइफ से अगर हो गया तो शॉर्ट हो जाएगा वो टाइम पे भी एक दूसरे को नहीं बोले अपने को क्या फर्क पड़ता है चलो घर पे मैं एकदम पहले से ओपन टेंशन ही नहीं अपने को कुछ कोई चीज का डर नहीं खौफ नहीं चले गया मैं फिर अपने को ऐसा लगा कि हाँ भाई अपने को ये बंदी से ही शादी करने का है या फिर ये बंदी ही अपने को पसंद है और अपन नहीं चाहते कि इसकी कहीं और शादी हो जाए। मैंने फाइनली ना काम पे निकलने के टाइम पे ना अम्मी को सुबह सुबह बोला कि अम्मी एक बात बोलने का बोल मैं एक लड़की ये पसंद करता हूँ मैं उसको और उसकी शादी कहीं होने और हो रही है तो मैं चाहता नहीं हो जाए। तो अम्मी हंसते पहले कि ये नया चीज़ आया है सामने मुद्दा ठीक है मैं अब्बा से बात करूंगी तो जा जाए क्या अब निकल गया मैं काम के लिए। अब जब पूरा दिन ना बाहर हूँ ना मैं मेरे दिमाग में यही चल रहा है मैं अब्बा को बता दिए रहिए अभी अब्बा से क्या बात करूंगा अब्बा क्या पूछेंगे मेरे से मैं क्या बोलूंगा दिमाग में यही चल रहा है तो डर गए थे अरे एकदम हालत पतली। वो टाइम पे ना दोस्तों का झुंड हुआ करता था मेरे घर पे आते जाते रहते थे तो मैंने मेरे दोस्तों को बताया भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया अब घर का क्या रिएक्शन होने वाला कुछ पता नहीं आज चल हम लोग चलते साथ में तो लोग आए बेचारे दो घंटा बैठे घर पे कि अब माहौल कुछ हुआ तो हम लोग संभाल लेंगे यकीन करेंगे दो घंटा कुछ नहीं हुआ बाद में लोग हार के सब साथ में निकल रहे थे बाहर मैं भी निकला बाहर तो अब्बा बोले कि तू रुक लोगों को जाने दे अब ये लोग तो मैं देख रहा हूँ मेरा चेहरा देख रहे मेरे दोस्त लोग बाहर से छेड़ रहे मेरे को अब तो तू अकेले गया। तो उस वक्त फिर अब्बा बिठाए पूछे कि क्या बात है फिर मैंने फिर बोलते ना बहुत सारा हौसला जमा किया अंदर हाँ आप बता दो आप ऐसा ऐसा है ठीक है बोले पहले उससे मिलना चाहेंगे हम लोग उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो फाइनली वो शादी के बाद दोबारा ये अम्मी अब्बा से मिली घर पे आके अम्मी अब्बा को पसंद आई बहुत हालत खराब थी मैं तो आ तो गई थी आ तो गई थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तो फाइनली फिर हमें अब्बा को पसंद आई फिर बातचीत हुई हम लोगों की क्या बातचीत हुई हम लोग की ना शादी हो गई। फिर एक डेढ़ साल तक ऐसा था कि चलो होने वाली है टाइम शादी की डेट फिक्स नहीं कुछ नहीं बातचीत फिक्स नहीं बस हाँ इसके भी घर पे मालूम मेरे भी घर पे मालूम हम लोग के घर पे मालूम है कि हाँ हम लोग श्योरिटी थी कि अब हम लोग दोनों एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। हाँ तो एक ऐसा हो गया था माहौल फिर इसका घर पे आना जाना अम्मी से फैमिली यार एकदम मस्त माहौल एकदम रावत मैं शादी के दो तीन साल पहले से ही आना जाना मेरा यहाँ पे था ही कभी आपा के पास कभी अम्मी के पास कभी आपा के पास हम लोग रिलेशन अच्छा मतलब बोलेंगे ना अभी 2015 अभी 21 चल रहा 6 साल शादी करके हम लोग बिता हुआ दो साल ढाई साल हुए तो समझ जाओ ना फिर तो कैलकुलेशन लगा लो तो एक बोलेंगे ना हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी एकदम मतलब वो जो प्रॉपर हस्बैंड वाइफ का कुड़ कुड़ किरकिर रहता है एक साल डेढ़ साल के बाद वो चीजें नहीं है हम लोग के बीच में। हम लोग के बीच में अंडरस्टैंडिंग है हम लोग दोनों शेयर करते हैं हम लोग दोनों फ्रेंडली है मैं इनके पीछे कुड़ कुड़ नहीं करती किससे बात करे किसका मैसेज है कहाँ जा रही है क्यों जा रही हम लोग का कैसा मेरे पीछे करते हम लोग का सिंपल कंसेप्ट है कि लाइफ में इमोशनल 0 प्रैक्टिकल 100% तो प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस रखो इमोशनल मत बनो इमोशनल कुल बनने की जरूरत नहीं है ऑनेस्ट रहो लॉयल रहो और क्या जब तुम किसी को प्रॉब्लम दोगे नहीं तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्यों आएगी सिंपल सा फंडा है हैप्पी लाइफ। फिर हम लोग का ऐसा कुछ थिंकिंग था नहीं कि इतना अच्छा प्यारा बच्चा होगा हम लोग का हो भी होगा अरे वो तो प्लानिंग भी नहीं थी यूसुफ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह आने के बाद कैसा मतलब हम लोग को ना 6-7 महीने तक यकीन ही नहीं हो रहा था यूसुफ हम लोग का बेटा हम लोग का बच्चा है। और एक चीज बताओ तुमको तुम ना लाइफ में हर चीज प्लान कर लोगे कि हमारी शादी ऐसी होगी शादी तक के मेरे को ऐसा रहने का है शादी के बाद मैं ऐसा रहूंगा मेरे बच्चों के लिए ये करूंगा वो करूंगा हर चीज आप सोच लोगे लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा बच्चा कैसा पैदा होगा और उसके साथ मैं कैसा रहूंगा उनकी रिलेशन कैसी होगी बॉन्डिंग कैसे होगी तो वो एक बोलते ना एक अलग सा ये कैसा पूछते थे मेरे पे जाएगा तेरे पे जाना चाहिए
लड़की भी तो तेरे पे जाना चाहिए, हरकतें मेरी जा। और एक्चुअली हुआ वैसा ही, वो दिखने में मेरे पे है, पहले से ही बोलता था जा, दिखने पे तेरे पे जा चाहिए, लेकिन मस्ती मेरे जैसी चाहिए, हरकत तेरे जैसी बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे को हरकत मेरे जैसी चाहिए। और हुआ, अल्लाह के करम से वो भी हुआ। लेकिन है ना, आज तक 6 महीना गया, अभी भी ना हम लोग को ऐसा मतलब सपना लगता है, ख्याल लगता है कि हाँ इतना यूसुफ हम लोग का बेटा है, इतना क्यूट, इतना मस्तीखोर, इतना परेशान। हाँ। अच्छा भी है परेशान। अभी ये चीज में एक और चीज ऐड कर देता हूँ, हम लोग के झगड़े ज्यादा नहीं होते, क्यों पता है? क्योंकि एक सिचुएशन आती है, मोड आता है लाइफ में, वो थोड़े से देर के लिए, तो वो थोड़े से देर के लिए जो एक बोलेंगे ना सिचुएशन आती है, तो उसको आप शैतानी दिमाग से फितना बना दोगे और उसको बहुत लंबा खींच दोगे, तो वो चीज हम लोग नहीं करते, हम लोग चुप हो जाते हैं। हाँ, कि भाई मेरे को तेरी बात बुरी लग गई, अब मेरे से बात मत कर, थोड़ा देर मेरे को शांत कर दे। दूसरे दिन अगर बात भी करता हूँ तो समझा देता हूँ, ऐसा करिए मत कर प्लीज, अब वो चीज समझ जाती है, दूसरे दिन मैं भाव खाती हूँ, फिर उसके बाद देता हूँ, दूसरे दिन मैं भाव खाती हूँ, भगने बात करने का मेरे को ऐसा होती है, फिर फाइट पड़ती है। ऐसी हम लोग का एकदम हंसते खेलते मस्त चल रहा है, हम लोग क्यों लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग के झगड़े नहीं होते, होते बड़ा वाला भी झगड़ा हुआ है, लेकिन वो एक दिन ही, बड़ी मुश्किल से एक दिन चलता है। हाँ, ज्यादा खींच के मतलब नहीं है, नहीं है ना, मैंने कहा प्रॉब्लम दो ही मत तो तुमको प्रॉब्लम मिलेगी, सिंपल सा पैटर्न। यही थी हम लोग की छोटी सी लव लाइफ, लव स्टोरी, हम लोग फिर से फ्लैशबैक में चले गए थे। ये है कि जो शादी से पहले जो 2-3 साल थे ना, इतना घुमाया हो ना इसको, इतना घुमाया हो, ऐसे कोई जगह नहीं मुंबई की है, ये पूरी टॉप लिस्टेड बना के टॉप प्लेसेस ऑफ मुंबई ऐसा घुमाया, एक एक जगह खाली एंटीना ने लेके गया उसको खाली, वो भी इसलिए क्योंकि वो मेरे को फीडबैक मिला है, दोस्तों ने बोले मजेदार नहीं है, मत जा, टाइम वेस्ट, ये वो, तो अपने पास इतने सारे दिमाग के चावल, दिमाग के नाखून, आर्तुरुल गाजी वाला दिमाग के नाखून बढ़ाया मैंने, नहीं लेके गए। हाँ, फिर उसके बाद एक था ये कि लाइफ में एक बार बर्फ वाली जगह पे जाने का, ये था इसका, वो मेरा ड्रीम था। हम लोग मनाली गए शादी के बाद हनीमून पे, वो भी हो गया, अल्लाह। दूसरा मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था कि भाई जिससे भी शादी हो मेरी, मेरी शादी ऐसी बंदी से हो जो मेरे माँ बाप को सोच समझ के चले कि हाँ भाई घर को कैसा संभालना है, या फिर अच्छे से संभाल के चले, बस मगजमारी नहीं चाहिए मेरे को, बवाल नहीं मांगता है, ये सोचता था मैं। ठीक है, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, तो अभी तक ये मस्त चल रहा है, दुआ करो आगे भी अच्छा चले, फिर एक और कहानी आगे की बात में बताएंगे, कोई कहानी नहीं है मतलब आगे कोई कहानी हुई तो। तो अभी यहाँ पे लव स्टोरी हो गई खत्म, टाटा बाय बाय, खुदा दारी भाग जाओ। नहीं, बहुत सारे किस्से भी है चीज से जुड़े हुए, ये एक बोलते ना एक पास फॉरवर्ड मैंने सुना है, मतलब 5 साल के अंदर इतने किस्से हैं कि हम लोग कहाँ जाते थे, कौन सी बेस्ट प्लेस हुआ करती थी, कहाँ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किए, कहाँ जाके ज्यादा खाते थे, क्या मूवी देखने का प्लान कैसे होता था, फिर मूवी देखने के बाद क्या क्या होता था, ये सब भी बहुत सारे किस्से हम लोगों के, तो कभी कभी ऐसा निकलते रहेगा ना, तो मैं आप लोगों को सुनाते रहूँ, है ना। अभी नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।